आई एम कंफ्यूज। अदालत का फैसला मुझे पागल की हंसी जैसा लगता है, जैसे पागल हमारी तरफ देख के हंसता है और हमें मालूम होता है इसकी हंसी का कोई मतलब नहीं। सालों साल कोर्ट में चप्पलें घिसने के बाद और इतना सारा रुपया लगाने के बाद हमारे हाथ क्या है, एक बस बस। अरे तू बहुत निराशावादी हो गया है। तुरे क्या निराशावादी हो गया, तू बात समझ नहीं रहा है। देख, एक अंग्रेजों में कहावत है कि हर काले बादल के ऊपर एक चांदी की लकीर होती है, जिसे बेच नहीं सकते। अब लंदन में कोहिनूर पड़ा है, हमारे किस काम का। तू लंदन क्यों पहुंच गया, तू प्लेट की बात कर रहा जो सामने पड़ी है। ये देख, ये 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 मान ने मैंने बस बेची और मुझे 5 लाख रुपए मिले। इसमें से 1 लाख रुपए फिर से मैंने तुझे दिए, 1 लाख रुपए मैंने वकील को दिए। अब तेरे बनते तेरे 32-35 है। अगर तूने बैच पे भी बैच पकड़ लिया तो भी हाँ, वो तो समझने वाली बात है ना। अभी अभी तीन के ऊपर मेरी 3 की कमाई तो 3 क्यों ऐसे आने वाले हैं। अब इसमें से 1 लाख रुपए मैंने तुमको अमेरिका जाने के लिए दिए, तो वो कितने गए देखो। क्या सोचा ही नहीं था क्या। पकड़ 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 पकड़। चीयर्स। देख, एक बस के अंदर 60 सीटें होती है, ऑन एवरेज एक सीट का होता है कम से कम 10 रुपया। तो उस हिसाब से अगर बस पूरी हाउसफुल होगी तो 600 रुपया एक बस के अंदर एक ट्रिप का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर तो दिन में 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो काम करेंगे। तो एक ट्रिप का 3 घंटा हुआ था, 18 को अगर हमने 3 से भागाकार किया तो उस हिसाब से दिन में 6 ट्रिप हो जाएगी। और एक ट्रिप का अगर 600 रुपया हो गया तो 6 ट्रिप का 3600 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से पूरे दिन के अंदर अगर 3600 रुपया कमाया तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये तो चक्कर चला लिया। तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये का चक्कर चल गया तो साल भर के अंदर एक बस का जुगाड़ हो जाता कम से कम 12 लाख रुपया। तो एक बस का ही 12 लाख का चक्कर चलेगा तो 5-7 बस तो मैं यूँ डाल लूंगा, तब तो लाखों रुपए का हिसाब किताब हो जाएगा भैया। एक बात बता, मोटा मोटा समझा, गणित अपना हिसाब किताब ठीक नहीं था ना, ओवरऑल कितना हुआ। अरे ओवरऑल तू समझ ले कि करोड़ों रुपए का झोल जुगाड़ है। जाना अमेरिका जाना है। करोड़ रुपया मैं अमेरिका क्या हो गया। अब पागल हो गया क्या। अरे सारा पैसा वैसा बाद में मिलेगा। देख तू क्या। मजा आ गया, मजा आ गया। देख नर्सरी से पेड़ पौधे खरीद के नहीं ले जाने, बस ले जानी है। आगे चलिए, यही बस है। ये गाड़ी है कबूतरों की झाड़ी। और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है, झिंगा लाला होहू की शादी की बारात निकल रही है क्या। ये वो बस नहीं हो सकती दीपक, आप प्रिंसिपल साहब को फोन लगाओ। देखो, एक, ये वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है। 2, प्रिंसिपल साहब आज छुट्टी पर हैं। 3, आप जल्दी से यहाँ साइन कीजिए। और 4, मास्पीटी करवा रहे हैं आप बच्चों से, कितना गिनवाएंगे। कितना गिनवाया था तूने, साल का 10-12 लाख। इसे भंगार में भी बेचूं तो लाख क्या, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। देख अभी कुछ भी नहीं है, उससे कुछ तो होना अच्छा है ना। अच्छा है क्या। अच्छा है यार, मैंने फोल्डिंग सोफा देखा था, फोल्डिंग बस तो पहली बार देख रहा हूं। अरे इसमें तो पहिया भी नहीं है, कम से कम स्कूल को पहिया तो देना चाहिए। स्कूल क्यों देगा, अपनी जेब से डालो। अरे जेब में क्या आदमी पहिया लेकर घूमता है क्या, जब कोर्ट ने स्कूल को ऑर्डर दिया है तो बस तो देनी चाहिए ना पूरी। हाँ तो? तो बस में पहिया होते हैं ना। अरे स्कूल की बस में तो बच्चे भी होते हैं, अब मैं आपको बच्चे कहाँ से दूँ। इतनी मदद की जरूरत नहीं है, इतनी मदद तो बस भरने तक मैं कर लूंगा अपने आप की। आप समझ में आया, कोर्ट में बस देने के बाद भी वो जीजू इतना मुस्कुरा क्यों रहा था, ये सब तेरे जीजू का क्या धरा है। जीजू का धर धर के पागल हो जाए। अब इस नारियल का क्या करूँ, अपने सर पे फोड़ लूँ। खोपरे की गाड़ी बनाई अपने घर में, धंधा शुरू होने से पहले जीजू ने धंधे की ना। इतने सोने का तो मैं 10,000 ही दे सकता हूँ। अच्छा, 13 10। तेरा, अरे एक बार बोला ना 10। अच्छा, तेरा इतने में हो जाएगा ना। नहीं, तेरा मेरा कम ज्यादा की बात नहीं है, ऊपर वाला बचा है। लाओ पहली पैसेंजर की भीड़ में ही निकाल दूंगा इनका, मैं कर्जा चुका दूंगा। लाओ बचा लेना मालिक। चल आ जा भाई।
मामू मैंने पापा से बस के लिए एक नाम पूछा, उन्होंने कहा चल। मेरे पापा ने भी कहा चल। एक बात समझ में नहीं आती बाबूजी, ये दोनों बार बार तरह तरह से मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हैं? उनके चल को छोड़, तू अपनी अकल से चला चल। सुपर, मिल गया ना कामयाबी का रास्ता। उन दोनों ने कहा चल, आपने कहा चला चल, तो बस का नाम आज से चल चला चल। अच्छा है। सबके चेहरे खिले हुए हैं, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरे भाई की बस शुरू हुई है, जरा खुश रहिए ना। तेरे भाई की बस शुरू हो रही है तो क्या मैं नाचू? अरे आरती वहाँ चल रही, यहाँ क्यों कर रहे हो? आरटीओ ऑफिस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है ना, तो यू टर्न को मस्का मारते हैं, तो ये नारियल उससे फुड़वा देते हैं। अच्छा, मतलब के इज्जत देने से संतुष्ट हो जाएंगे? आराम से बोलना। मी नारियल ब्रोकर। दम क्यों सूख रहा है? दम लगाकर फोड़ दो नारियल, तुम भी परिवार का हिस्सा हो। नारियल, मी नारियल ब्रोकर। जय बजरंग बली। ब्रोकर, कोयला इंजन जैसे धुआं फेंक रही है खतरनाक, और तुम्हें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, पहले इसे फिट करवाओ। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या हो गया? अबे मुझे बोला ना तो चींटी की तरह मसल दूंगा। नहीं यार, मैं नहीं। अबे मैं गाय को नहीं यार, तू ही नहीं। और तू भी क्यों नहीं यार, तू मेरा दोस्त है। इसकी ऐसी कितना अबे अबे अबे, अबे गियर किधर ले जा रहा? कौन से गियर से गाड़ी चलाऊंगा? अबे सुंदर, सुंदर कहाँ चला गया? अरे आगे ले गाड़ी। सुंदर क्या रे? अरे ट्रैफिक तुम जाम क्या? सब पूछ रहे, गाड़ी हटा यहाँ से। सलाम साहब, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन। अबे गाड़ी हटा तू पहले। क्या बाइको वाइफ सारी गर्लफ्रेंड सब ठीक है ना? अरे बाल बच्चों को पूछ यार, मेरे बाल पक गए। पहले तू गाड़ी हटा, यहाँ से ट्रैफिक जाम हो रहा है।
अरे कैसे निकालूंगा वो गाड़ी न्यूट्रल में? अरे तो फर्स्ट डाल ना, जा निकल जाए यहाँ से। अरे लेकिन वो अब क्या हो गया ना सर, मेरा दोस्त है ना, उसका पासपोर्ट चूहा खा गया। अरे उसमें पब्लिक का क्या दोष है, तू गाड़ी हटा। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, वो मारने को भागा है। कौन, चूहा? नहीं, वो मेरा दोस्त। अरे दोस्त की बात कर रहा है, तू गाड़ी हटा पहले। अरे लेकिन वो आएगा तब निकलूंगा ना, वो तो गेरी लेकर भाग गया है। ए सुंदर, मुझे सुंदर मत बोल। सुंदर सुंदर बोल के मेरे तलवे मत चाट, मैं कहता हूँ सारी दुनिया जानती है मैं सुंदर हूँ। हाँ, किसने बोला आपको? मेरी माँ बोलती है। अच्छा ठीक है, जो भी है, धूप बहुत पड़ रही है, आपका मुँह काला हो जाएगा, एक मिनट अंदर बैठिए, मैं तभी तक सुंदर को बुला के लगे आता हूँ। अरे सुंदर, अबे पागल हो गया क्या? मैं पागल हो गया हूँ, जब तक साले को जान से नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साले ने सारे मेरे सपने बर्बाद कर दिए। अबे जाम हो गया, वो इंस्पेक्टर साहब भड़क रहा है, ये लिवर दे मुझको। मुझे चूहे का लिवर कुचलने के लिए लिवर चाहिए। अबे वो इंस्पेक्टर तेरे मुंह में हाथ डाल के तेरा लिवर बाहर निकालेगा। चल छोड़ छोड़, कब तक भागेगा तू? ये है सुंदर। अरे इस बंदर को सुंदर कहते हैं? अबे बैठ जा बस में, बैठ जा, चल फटाफट।